हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कॉम्पिटिशन एकेडमी में। तो ये एमपी की क्लासेस हैं, ये मध्य प्रदेश के लेक्चर चल रहे हैं जो आपके। तो आइए फिर हम आज की क्लासेस चला जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सब आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कोई डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो हमने लास्ट हमारा क्या टॉपिक चला था, फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट है, जो वन है, फॉरेस्ट जो हमारे जो वन है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एक लेक्चर बन गया है फॉरेस्ट के बारे में, वन के बारे में। और आज कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं तो मैं उन्हें ही बताऊंगी। मैपिंग के द्वारा आपको बता चुकी हूँ कहाँ सघन वन है, कहाँ मध्यम है, कहाँ अति सघन वन है। प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। फिर आज मैं इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगी, जैसे कि आप लोगों का वन महाविद्यालय कहाँ स्थित है ना, और कुछ चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हाँ थोड़ा करंट भी है तो करंट से भी अपडेट कराएंगे, क्योंकि अभी नया नया करंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, अगर 2020 में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो देखिए, जो हमारे मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, यानी कि जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, वो कौन है? तो वो हैं विजय शाह। याद रखिएगा, विजय शाह जी, माननीय विजय शाह जी जो है। क्या हुआ, दिखने में कोई डाउट है? जो विजय शाह हैं इनको क्या बनाया गया, फॉरेस्ट मिनिस्टर। अभी नए नए करंट में फॉरेस्ट मिनिस्टर अभी आपके जुलाई में ही बनाए गए, ठीक है, जो है फॉरेस्ट मिनिस्टर है, ठीक है। फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? तो फॉरेस्ट मिनिस्टर है विजय शाह। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं थोड़ा बता दें, तो ये खंडवा से विधायक है, जो आपका खंडवा जिला है, तो वहाँ से ये विधायक थे। और इनको कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया गया है, तो फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट वाला डिपार्टमेंट विजय शाह जी को दे दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो फिर आगे है हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 के तहत राज्य में वनों की जो संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया गया है, जो वनों को किसके तहत लाया गया है, ये जो वनों का संयुक्त वन प्रबंधन है इसको किसके तहत लाया गया है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। राष्ट्रीय लिख दो, चलिए लिख देती हूँ राष्ट्रीय वन नीति। ये आज हाँ आप लोगों को लग रहा होगा मैं थ्योरी बता रही हूँ, लेकिन ये पेपर के दृष्टिकोण से वन लाइनर फैक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा सा सुनिए, आप लोग को जरूर बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और पेपर में भी आप लोग को देखने को ये सब चीज़ें मिल सकती। तो देखिए, जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 के तहत, जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 के तहत राज्य में वनों का संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया गया। वनों को किसके तहत लाया गया है, वनों को संयुक्त वन प्रबंधन के तहत। अब प्रश्न कैसे बन सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन इनमें से किसके, कौन सी नीति के तहत आया या किस सन में आया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत संयुक्त वन प्रबंधन को लाया गया, ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन को लाया गया। समझ गए, प्रश्न ऐसे बनते हैं। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत में इंपॉर्टेंट चीज़ें आ भी चुकी हैं और आने की पूरी संभावना है। तो देखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई है? मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की मध्य प्रदेश में भारतीय, अब किसी को क्या, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपके इसकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय या कहाँ इसके संस्थान है, ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये हमारे भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी, ये संस्थान है भोपाल में। हम और कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1982 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए,
जो आज मैं कुछ फैक्ट ही बता रही हूँ, पर ये फैक्ट इतने इम्पोर्टेंट है आप लोगों को कि आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो इसको एक बार आप लोग देख के जाओगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बनों का 100% है यानी कि 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कब है, कौन सा है, और ये कब किया था, मध्य प्रदेश है। बनों का 100% यानी 100% बनों का 100% बनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो है एमपी, हमारा मध्य प्रदेश। और ये कब किया, मध्य प्रदेश है पहला राज्य है मध्य प्रदेश, और इसने कब किया राष्ट्रीयकरण, तो 1970 में। तो अगर पूछा जाए कि बनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है, ये किस समय बनों का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया, तो बनों का पहला राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया। और पहला राज्य कौन सा, देश का इनफैक्ट पहला राज्य कौन सा, तो एमपी है ना, मध्य प्रदेश है। आप देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड गठन किया गया है, अगर नहीं पता तो, है ना, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास का, मध्य प्रदेश इको कब किया गया है, इको पर्यटन विकास बोर्ड है ना, इसके गठन किया गया। तो इसका गठन कब किया गया, तो मध्य प्रदेश शासन ने इसका गठन कब किया था, तो 2005 में। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास का क्या काम है, इस इको पर्यटन विकास का काम है कि इसको हमें जो पर्यटन इसको बढ़ावा देना, लोगों को अपने और ज़्यादा, है ना, ये जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी हमारे जैवरसी क्षेत्र है ना, या इनको क्या करना, इनको और अच्छे से, लोगों को और अच्छे से जानना, इनके लिए योजनाएँ बनाना, ठीक है, योजनाएँ बनाना, और जो और बहुत सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है। तो इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 2005 को, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल रिजर्व है, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, कब बताई हूँ आप लोग को, अगर माइंड हो, रिमाइंड में हो तो आप लोग बता सकते हो माइंड में कि कौन कौन से 3 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी, अचानकमार यानी अमरकंटक वाला, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को जैव आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया। अब जैव मंडल होता क्या है, जैव मंडल रिजर्व, पहले तो ये जानिए कि मध्य प्रदेश में, एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में 3 जैव रिजर्व हैं। जैव रिजर्व क्या होते हैं आप कमेंट करके बताइए, जैव रिजर्व क्या होते हैं, जैव मंडल रिजर्व कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा अमरकंटक में अचानकमार, अमरकंटक यहाँ पर, अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसको भी, और एक है पचमढ़ी, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक में अचानकमार, और पन्ना और पचमढ़ी, ये जो है मध्य प्रदेश के 3 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र किसे कहते हैं। नॉर्मली भाषा में आप लोग कहते हो कि जो स्थल मंडल, जल मंडल और नम मंडल को, है ना, करता है, उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल रिजर्व कहते हैं। पर इन्वायरमेंट, ये जो आप लोग इन्वायरमेंट अगर पढ़ते होगे तो उसके लैंग्वेज में किसे कहते हैं, बायोस्फीयर या जैव मंडल, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आप देखिए, जो मध्य प्रदेश है, झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की, मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है, वो स्थापना कब की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मध्य प्रदेश में झील प्राधिकरण की स्थापना की गई है, एमपी में दिख रहा है, झील प्राधिकरण की स्थापना की गई है, दिख रहा है, दिखने में कोई डाउट है, नीचे पे दिख रहा है क्या, कि ऊपर लिखो, ये कब की गई है, 2004 में, झील प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है, तो 2004 में की गई है। विजय शाह जी कौन है, तो विजय शाह जी हमारे अभी करेंट टाइम में फॉरेस्ट मिनिस्टर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, 2004 में, 2004 में, ठीक है। आप देखिए, अब हम आ देखेंगे, आप लोगों को पता है कि वानमोर
यानी जो मुरैना में और शिवपुरी, ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बानमा और मुरैना और शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है। कत्था से, कत्था कहाँ से मिलता है? खैर वृक्ष, जो खैर वृक्ष होती है ना, तो बानमा और ये मुरैना और शिवपुरी में हमारा क्या है, कत्था बनाने का कारखाना है, नोट कर लीजिएगा। हाँ, मध्य प्रदेश झील प्राधिकरण के स्थापना, झील प्राधिकरण 2004 में हुई, झील प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। अब एक चीज और याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा मध्य प्रदेश में, आपदा आपके एमपी में, आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1987, यानी 1 नवंबर 1987 को मध्य प्रदेश में आपदा, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आए या मानवीय आपदा जो भी आए, तो उस आपदा से निपटने के लिए एक, जैसे कि आप लोगों का भोपाल गैस कांड हो गया, तो कैसी आपदा हो गई, मानवीय आपदा, और जो आप लोगों की बाढ़ आती है, सूखा आती है, कैसी प्राकृतिक आपदा, तो इन आपदाओं से निपटने के लिए इस एक आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। इस प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1987 को, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय भोपाल में, इसकी स्थापना कहाँ की है, भोपाल में, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में, ठीक है। हाँ, बानमौर और शिवपुरी, बानमौर और शिवपुरी में है, शिवपुरी में कत्था बनाने का, कत्था कहाँ से मिलता है, खैर वृक्ष, जो पान वगैरह में यूज करते हैं नॉर्मली, तो कत्था बनाने का कारखाना है, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट्स। आप देखिए एक चीज और, आप लोगों को पता है कि 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति आई, ठीक है, तो 4 अप्रैल 2005 को आप लोगों को बताया भी गया है, अगर आप लोगों ने वन फॉरेस्ट वाला पहला वीडियो देखा होगा, तो मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब आई, तो 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति आई, और इस नई वन नीति के हिसाब से इस वर्ष 2019 में, क्योंकि अभी हम जो भी कर रहे हैं वर्ष 2019 का थोड़ा डेटा लेंगे, क्योंकि 2020 में इतना कुछ हुआ नहीं, तो जो वर्ष 2019 है मध्य प्रदेश में, उसमें 29 जिलों में 985 वन ग्राम है। इसका क्या मतलब है, वन ग्राम, इसका मतलब ये है, ये हम 2019 का कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से 2020 में इतना कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 985 वन ग्राम, मतलब कि लगभग 29 जिलों के 985 गांव ऐसे हैं जो वनों के बीच में बसे हैं, मतलब जंगल ज़्यादा इनको घेर के रखा हुआ है, तो ये, ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से, नई वन नीति के डेटा के हिसाब से लगभग 29 जिले ऐसे हैं जो 985 वन ग्राम में बसे हुए हैं, जो है ना गाँव हैं, जो 985 गाँव ऐसे जो ऐसे वनों के बीच में बसे हुए हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप देखिए जो मध्य प्रदेश है, आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जंगल ज़्यादा है और आप लोग के स्टेट की तुलना में, तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना आता है, इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो है वन क्षेत्र कितना आता है, तो देखिएगा थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, तो देखिएगा मध्य प्रदेश में जो एमपी है वहाँ पर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना आता है, तो लगभग 0.12 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये एमपी का है। और अगर राष्ट्र की बात करें अपने, हाँ मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र क्या हुआ, हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर, अगर राष्ट्रीय अपने देश भारत की राष्ट्रीय स्तर पर पूछे प्रति व्यक्ति वन तो कितनी है औसत, लगभग औसत, एक सेकेंड ये चल नहीं रहा, औसत 0.7, ठीक है, 0.07। तो अगर मध्य प्रदेश में प्रति, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, मध्य प्रदेश में पूछ लेगा अगर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, तो 0.12 वर्ग किलोमीटर, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर तो पूछे तो औसत 0.07%, ठीक है, कोई डाउट। आप देखिए अब खंडवा, जो आप लोगों को पता है कि जो खंडवा है, जबलपुर है, और आप लोग का रीवा है, ये खंडवा जबलपुर जो रीवा है आप लोग का, नीचे पे खंडवा
खंडवा, जबलपुर और रीवा, ये जो तीन जिले हैं यहाँ पे सर्वाधिक वन वृत्त हैं, यानी कि जो वन सर्कल है वो सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर है, तो तीन जिले याद रखिएगा, वन सर्कल जो है आपका फॉरेस्ट सर्कल जो है खंडवा, ये सर्वाधिक वन वृत्त हैं, जबलपुर और रीवा, यहाँ पर ये तीनों जो जिले हैं सर्वाधिक वन वृत्त हैं, है ना, जो आप लोग का सर्कल है वन वृत्त का सर्कल है, ये तीन जिले सर्वाधिक वन वृत्त में आते हैं। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, अब देखिए, जो आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 3,08,000, जल्दी बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत पहले बताया जो चुका है आप लोग फर्स्ट सेकेंड वीडियो में, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है कमेंट करके बताइए। अब देखिए, अब आप लोग को ये भी बताना है कि आरक्षित वन वृत्त, कल के क्लासेस में बताया गया, तो आप लोग को पता है कि जो आरक्षित वन वृत्त है वो सर्वाधिक कहाँ है, खंडवा में, और न्यूनतम और संरक्षित वन वृत्त कहाँ है, छतरपुर में, है ना, संरक्षित वन वृत्त छतरपुर में और आरक्षित वन वृत्त खंडवा में, ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो और आरक्षित वन वृत्त सबसे कम कहाँ है, आरक्षित वन वृत्त सबसे ज्यादा खंडवा में, और आरक्षित वन वृत्त, अब आरक्षित संरक्षित क्या होता है आप लोग को प्रीवियस वीडियो फॉरेस्ट वाला देख लीजिएगा, एक वीडियो इसका और है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, कल डिटेल से बताया गया। तो याद रखिएगा, जो आरक्षित वन वृत्त है सर्वाधिक खंडवा में है और सबसे कम उज्जैन में आरक्षित, और संरक्षित की बात करें तो संरक्षित वन वृत्त कहाँ, छतरपुर में। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, अब मध्य प्रदेश में कुछ जो अधिनियम है वो थोड़ा सा देखेंगे, तो पहले आप बता दीजिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, मैं देख रही हूँ, कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इतना है। हाँ, तो चलिए फिर देखते हैं, जो वन है इसमें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्र है इसमें जो वन का कितना हिस्सा है, तो वन का लगभग 77,522 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लगभग 77,522 वर्ग किलोमीटर में वन है, और इसका टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, तो ये कितना परसेंट है, लगभग 30.72। ठीक है, लगभग 30% है, लगभग वन का कितना परसेंट है, लगभग 30% है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि, पता ही होगा कि कोई भी क्षेत्र को मतलब प्रदूषण होने से बचाने के लिए या संतुलित वातावरण के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, लगभग उस भूभाग में एक तिहाई भूभाग में क्या होना चाहिए, वनों का होना जरूरी है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा है। ठीक है, आप लोग को बताया जा चुका कितने वन, है ना, कितने कितनी जगह क्षेत्र में वन फैला हुआ मध्य प्रदेश में। तो देखिए, अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि लगभग 30.72% जो है वन है। ठीक है, आप देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जैसे कि मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसी सेगमेंट में थोड़ा बता देती हूँ, जैसे मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1974 में आया, 1974 में वन जीव संरक्षण अधिनियम, दिख रहा है, वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर, जो इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट टाइगर कब से लागू हुआ। अब देखिए, प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत 1976 में की गई, प्रदेश में सामाजिक वानिकी की शुरुआत, सामाजिक वानिकी की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई, तो 1976 से हुई। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, क्या वो कोई डाउट्स है, एक सेकेंड मैं देखती हूँ, कोई डाउट्स हो रहे हैं, कैमरा तो सही चल रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए मैं देखती हूँ। हाँ, आप देखिए, वनराजकीय महाविद्यालय कहाँ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में वनराजकीय महाविद्यालय कहाँ पर है, मध्य प्रदेश वनराजकीय महाविद्यालय,
वन राजकीय महाविद्यालय, महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, बालाघाट जिले में। ये नहीं चल रहा है क्या कलर? एक सेकंड, चलिए मैं चेक करती हूँ, नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बनराज की महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बनराज की महाविद्यालय बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में बालाघाट में राजकीय वन महाविद्यालय स्थित है, राजकीय वन महाविद्यालय बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये आया हुआ प्रश्न है और कहीं ना कहीं दो साल तीन साल में ये रिपीट करता ही रहता है ना। और ये समाज की बात की योजना कब शुरू हुई प्रदेश में? तो ये 1976 में स्टार्ट हुई, ठीक है। अब मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई। हाँ, मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना, नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई। मध्य प्रदेश में वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ है? बालाघाट में, जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, हाँ वहाँ पर। मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया 1974 में, मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया 1974 में। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना था कि प्रोजेक्ट टाइगर किस अधिनियम, किस साल में आया प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में? और प्रदेश में सामाजिक बांध की योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1976 में। कोई, हाँ क्या हुआ, कोई डाउट है? कोई डाउट्स हो रहे हैं? वन विकास निगम, ये 24 जुलाई 1975 मैंने क्या बताया, वन विकास निगम। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई या वन विकास निगम कब आया? तो वन विकास 24 जुलाई 1975 को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, अगर और आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कैसी लगी क्लास बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए फिर हम अगली क्लासेस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फॉरेस्ट का लगभग हो ही चुका है। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, वो है राष्ट्रीय उद्यान। तो अगली क्लासेस में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।